नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राइट ट्रिक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं फन टीवी ऐप्स के बारे में। फन टीवी ऐप्स में आपको केवाईसी वेरीफाइड कैसे करना है आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बताऊँगा कि आप यहाँ पर जो है रेफर का पैसा आप किस तरीके से विड्रॉ करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद घंटी को ऑल कर लीजिए। इससे आप सभी को ये बेनिफिट होगा फ्रेंड, कोई भी न्यू अर्निंग एप्लीकेशन आएगा तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि आप सभी को जो है फन टीवी एप्लीकेशन में आपको केवाईसी वेरीफाइड कैसे करना है और कैसे होता है। ठीक है, केवाईसी वेरीफाइड करने के लिए आपके पास तीन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यहाँ पर इजीली आप यहाँ पर जो है 5 मिनट के अंदर में केवाईसी वेरीफाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सभी को फन टीवी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको रिवार्ड्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर आप सभी को दिख रहा होगा रेफरल कैश बोनस, जो कि आप यहां पर क्लेम नाउ पर आप क्लिक करते होंगे तो आप सभी को जो है केवाईसी का ऑप्शन आता होगा, जो कि आपको बोलता होगा कि आपको कंप्लीट केवाईसी करने के लिए। तो आपको चलिए बताते हैं कि आपको कंप्लीट केवाईसी कैसे करना है। तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 स्टेप आप सभी को दिया गया है, जो कि आपको 4 स्टेप में आप सभी को जो है कंप्लीट केवाईसी करना है। तो सिंपली आपको कंप्लीट केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देखो नीचे में प्रोसेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर जो है पैन कार्ड का आपको फ़ोटो आपको यहां पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपके सामने इस टाइप का कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। फिर आपको अपना पैन कार्ड आपको यहां पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सिंपली आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर बोल रहा है कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको यहां से सबमिट करना है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आपको वोटर आईडी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपके पास डिलीवरी लाइसेंस है तो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर जो है मैं आधार कार्ड के थ्रू यहां पर मैं वेरीफाइड करने वाला हूं। तो सिंपली आपको आधार कार्ड पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर बोलेगा कि आधार कार्ड का फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको आधार कार्ड का जो कैप्चा है वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद आधार कार्ड का जो बैक साइज फ़ोटो होता है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो देखो फ्रेंड, जब आप यहां पर आधार कार्ड और पैन कार्ड आप यहां पर अपलोड करेंगे तो आईडी कार्ड एकदम जो है क्लियर होना चाहिए, तभी आपका यहां पर केवाईसी वेरीफाइड आएगा। तो फिर आपको यहां पर रिटेक फ़ोटो पर आपको क्लिक करके आपको फिर से आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जिसका डॉक्यूमेंट्स आपने यहां पर ऐड किया है उसका एक सेल्फी आपको लाइव आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आपका आ जाएगा। फिर आपके जो है 5 से 10 मिनट के अंदर में आपका केवाईसी जो है अप्रूवल कर दिया जाएगा। केवाईसी अप्रूवल होने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको नीचे में रिवार्ड्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने केवाईसी वेरीफाइड कर लिया है, उसके बाद आपको बैंक वेरीफाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बैक करना है। फिर आपको जो है 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज दिखेगा। फिर आपको यहाँ पर वॉलेट पर आपको क्लिक करना है। वॉलेट पर आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं मेरा जो है ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड है।
अगर आपका यहाँ पर KYC कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा, फिर आपको अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है, फिर आपको IFSC कोड आपको यहाँ पर ऐड करना है, फिर आपको ऐड बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर ऐड अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे फिर आपके नंबर पर जो है OTP आएगा, OTP को ऐड करना है, फिर आपको यहां से बैंक अकाउंट को वेरीफाइड कर लेना है। वेरीफाइड करने के बाद सिंपली आपको यहां से बैक करना है। जैसे आप यहां पर आप बैक करेंगे फिर आपको यहां से जो है आपको यहां पर जो भी आप यहां पर पैसे कमाएंगे आप यहां से जो है विड्रॉ कर पाएंगे। जैसे आपका यहाँ पर बैंक वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद इजीली आप यहाँ पर जो है जो भी आप पैसे कमाएंगे उसे आप यहाँ पर जो है एक सेकेंड के अंदर में जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर रेफ़र करके पैसे कमाते हैं या तो आप यहाँ पर वीडियो देखकर पैसे कमाते हैं या फिर आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन में पैसे लगाकर आप यहाँ पर पैसे कमाते हैं तो आप यहाँ पर इजीली आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं विड्रो मनी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे उसके बाद बैंक अकाउंट आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम विड्रो यहाँ पर रखा गया है 300 रुपये, मैक्सिमम आप यहाँ पर जो है 2000 तक जो है विड्रो कर सकते हैं। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पर 300 रुपये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आप यहाँ पर विड्रॉ करेंगे ये आपका रेफ़र का पैसा नहीं रहेगा, ना ही आपका वीडियो देखने का पैसा रहेगा। यहाँ पर जो आप वीडियो को ऐड करोगे, जो आप वीडियो में पैसे लगाओगे उसमें आप यहाँ पर जो है उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस पैसे को जो है आप यहाँ पर विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको स्लाइड करना है। जैसे आप नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है डेली चेकिंग करके आप यहाँ से जो है पैसे कमा सकते हैं। 5 वीडियो देखकर आप यहाँ से जो है डेली के 300 कॉइन अर्न कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट KYC यहाँ पर जो है अप्रूवल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से बैक करना है। जैसे आप यहाँ पर आप बैक करोगे फिर आपको यहाँ पर रिवार्ड्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी आप यहां पर देखो दोस्तों, आप यहां पर विड्रॉ करने जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका यहां पर विड्रॉ लग जाएगा। यहां पर देखो रेफरल कैश बोनस दिख रहा है जो कि आपको 1200 कॉइन में आपको मिलेंगे 10 रुपये। तो आपको क्लेम नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लेम नाउ पर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका विड्रॉ हो जाएगा। आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेमेंट आने में जो है यहाँ पर 24 आवर्स लग सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर मैं 4 विड्रो लगा चुका हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर पेमेंट प्रूफ है। ठीक है, जब यहाँ पर पेमेंट प्रूफ आ जाएगा तो मैं आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है पोस्ट कर दूँगा। अब बात करते हैं कि आपको रेफर का पैसा आपको कैसे मिलेगा। तो सिंपली आपको यहां से बैक करना है। जिससे आप यहां पर आप बैक करोगे तो यहां पर देख सकते हैं रेफर इन अर्न का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर आप क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहां पर देखो नीचे में बोल रहा है कि आप जो है किसी को भी आप रेफ़र करेंगे तो पर रेफ़र आप सभी को जो है 10 रुपये मिलेगा और साइनअप पर भी जो है 10 रुपये दिया जाएगा। तो नीचे आप सभी को रेफ़र लिंक मिल जाएगा, रेफ़र कोड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो रेफरल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे फ्रेंड हैं जो कि यहाँ पर रेफ़र करके जो है पैसे कमाए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1640 रुपये का जो है टोटल अर्निंग किया है, 1130 रुपये का अर्निंग किया है, 1030 रुपये का अर्निंग किया है, 970 रुपये का अर्निंग किया है और यहाँ पर मैंने देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है 40 रुपये का जो है टोटल अर्निंग कर लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रेफ़र करके भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका KYC वेरीफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।